मुख अभियुक्त पप्पू राय धप्पू राय गोरख राय आज तक पुलिस उसको गिरफ्त नहीं कर सकी तो ये तो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल विफलता है अरे हमारे परिवार में और को किसी को मारेगा तब ये लोग अरेस्ट करेगा हम ये पूछना चाहते हैं। ये शर्म की बात है कि आज पौने तीन महीना बीतने जा रहा है और आज तक ये मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब कि पुलिस हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है एक महीना दो महीना हो गया आज तक तो हमको अभी का गार्ड मुहैया नहीं कराए हमको मार देगा इनका सारा साहब को नीले मुखिया हत्याकांड बहुत चर्चित हुआ था और वो चर्चित व्यक्ति थे 31 जुलाई की उनकी हत्या हुई थी और दुर्भाग्य इस बात को लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अब नवंबर आने वाला है तकरीबन चार महीना से ऊपर हो गया और अभी तक जो मुख्य आरोपी है गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिस समय हत्या हुई थी उस समय ये लोग हल्ला किए थे रोड पर गए थे और पुलिस ने आश्वासन दिया कि नहीं बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अपराधी जो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं उनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेष मुखिया के बड़े भाई हैं सुरेश बाबू उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जब नीलेष मुखिया जैसे चर्चित व्यक्ति के अपराधी अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए तो आम आदमी पर क्या होगा अब यही देख लीजिए जब हम लोग जो है इतनी बड़ी प्रशासन की फौज है और मन मुख अभियुक्त पप्पू राय धप्पू राय गोरख राय आज तक पुलिस उसको गिरफ्त नहीं कर सकी तो ये तो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल विफलता भी है और शर्म की बात है पटना पुलिस के लिए ये शर्म की बात है कि आज पौने तीन महीना बीतने जा रहा है और आज तक ये मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब कि पुलिस हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है और आपको आदमी पकड़ाइए नहीं रहा दाऊद इब्राहिम थोड़े है तो आप जो है ना कि खुला छूट इसका मतलब दे रहे हैं वो और हत्या करेगा तब जो है ना कि आप उसको अरेस्ट करवा दीजिएगा कल होके वो मार देगा हमको या उसका परिवार जो है ना इन्ने उन्ने बोलते चल रहा है तब उसको अरेस्ट कीजिएगा मैं सीनियर एस से ये मांग करता हूँ कि अभिलम्ब से अविलम्ब उसको अरेस्ट करवाइए और नहीं तो आप जो है जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर वो हकीकत गिरेगा हकीकत गिरेगा तो इस सारी जिम्मेवारी इन पर होगी पुलिस प्रशासन पे एकदम पुलिस प्रशासन अरे हमारे परिवार में और को किसी को मारेगा तभी ये लोग अरेस्ट करेगा हम ये पूछना चाहते हैं आप ही से पूछ रहे हैं आप इतना बड़ा ई करने के बाद भी आ इतना सजावता ग्यारह गो इस पर केस है हमारा सात गो इस पर तीन सौ दो का अच्छा मुकदमा है आगे की बात ये भी आप ग्यारह केस की बात कर रहे हैं और हम जब आप लोग जिस दिन हुआ था आप एक डाल, उनका डाटा पूरा रखे थे डाले थे डाले उसमें आजीवन आजीवन कारावास दो केसों में दोनों भाई को तीनों भाई को आजीवन कारावास मिला हुआ तब यहाँ तो देखिए बिहार का कानून कहिए या कोर्ट कहिए जिस आजीवन कारावास का में अगर हो चुका होता तो इस तरह की घटना तो नहीं होती एकदम नहीं होती एकदम नहीं होती और मेरे भाई को पप्पू धप्पू पहले भी मारने का प्रयास किया था जिसका पूरा पेपर में न्यूज आया था जो राजकुमार पांडे को बखूबी जानकारी थी थाना इंचार्ज दीघा और उन्होंने जो है ना कि सिर्फ सनहा लिख करके आ एक सौ सात कर दिया उसके खिलाफ जबकि उसको अरेस्ट करना चाहिए उससे पैसा खा गया मैं खुल के बोलता हूँ राजकुमार पांडे जो है ये ये आज से चौथा महीना में उसको पता था कि ये पप्पू धप्पू और गोरख राय पच्चीस लाख का सुपारी किसी अन्य अपराधी को दिया था जिसकी उस सूचना मिला तो हमारा भाई को अलर्ट किया और अलर्ट के बाद जो है कि आप जो है ना सतर्क हो जाइए आप कहते तो जब आपराधी का मा, मालूम हो गया कि फलना आदमी पैसा दिया है तो आपको उसको अरेस्ट करना चाहिए।, चाहिए।, चाहिए आपने से राय लेके उसको नहीं। नहीं। चाहिए कि हमारा भाई से सना लिखवाए उससे पैसा ले लिए सही बात है वो थाना इंचार्ज सस्पेंड भी हुआ सस्पेंड भी हुआ मेरे भाई पर जो है देमर हत्याकांड में पूरा हमको और मेरे भाई को फंसाने का कोशिश किया थाना इंचार्ज को हम कहें कि आप जांच कर लीजिए साहब अगर एक वृत्ति भी हमारा पास हम अगर उसमें संलिप्त होगा तो हमको जो है ना जब जो तुरंत सूट एंड साइट कीजिएगा हमको जेल पेल मत ले जाइएगा हम वो खानदान से बिलोंग करते हैं अच्छा जिस हाँ? समय जिस समय आप लोग धरना पर बारिश भी हो रही थी धरना प्रदर्शन हमारे सामने ये सब बातचीत हो रही थी आला अधिकारी से पुलिस से तो आपको आश्वासन दिया जा रहा था कि बहुत ज्यादा नहीं पंद्रह से बीस दिन के अंदर अरेस्ट अरे हो गए अभी तक है अभी तक ने, है आप अब, 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 लोग क्या करें हमारी बब्बू जो है अभी हाल गंगवार साहब के पास गए गंगवार साहब सीनियर एस के पास सीनियर एस पी के हम जल्दी ही कर रहे हैं कुछ करेंगे आपको देखिएगा ये है वो है आप आश्वासन दे रहे हैं साहब तो आप तो आपको तो फेलियर है आप इसमें तो दुर्गा पूजा के बाद आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं दुर्गा इस तरह के अगर रवैया रहा तो मेरा पूरे गांव का आदमी जो है, है। पूरे तैयारी में है कि अगर इस तरह के होते रहा फिर कहिया तक हमारे गांव में ये मारते रहेगा अगर अवेर बच गया तो सुन लीजिए टोटल डीजीपी को मैं बोल रहा हूँ सीनियर एस साहब को कि सारी जिम्मेवारी मेरे गाँव में किसी का मर्डर हुआ वो करेगा वो तो उसका खुला राज हो जाएगा ये तो मनोबल बढ़ने वाली बात होगी मनोबल बढ़ेगा जैसे कि आप लोग और किसी को मारेगा देख लीजिएगा हम मैं रहा आऊंगा मैं सीनियर एस से आग्रह करूंगा कि आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इसको अभिले अभिलम अरेस्ट कीजिए और नहीं तो फिर आध दो और मर्डर उसके हाथों से करवाने के लिए आपके तरफ से जो है उसको छूट दे दीजिए करेगा यह हो सकता आप, है। हाँ हो सकता है हो सकता है करेगा तो देख लीजिएगा वो गांव में किसी को जो है ना कि सब किसी का घर द्वार ले लेगा ले किसी को कुछ करेगा उसको खुला राज हो जाएगा ये ग्यारह गो केस है साहब सात गो छः गो सात गो उस पर तीन सौ दो का मुकदमा है तो पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए महाराज उसका देखे रिकॉर्ड देखे अभी और केस होगा ये लोग जाँच थोड़े करता है ये अपराधी में हम हम बताएंगे तो ये लोग जानेगा समझा न हम लोग बताएंगे तो ये सब दफा जानेगा अरे आप सब थाना में से कलेक्ट कीजिए उसका पर कितना केस है इस सब सत्रह अठारह बीस गो केस निकलेगा अभी अजय राय पर नौ केस उन्नीस गो केस है उस पर अच्छा अजय राय के साथ एक उदय राय भी अरेस्ट हुए हैं। हाँ, हाँ उदय राय अरेस्ट हुए हैं, उनकी संलिप्ता पाई गई है तो अरेस्ट हुए हैं संलिप्ता उनकी है अब हाँ, तो, उसका बयान में आया है अजय कुमार का अजय बयान में एकदम खुल्लम बयान में आया हुआ है ये लोग डेढ़ महीना से मेरे भाई के पीछे ले आ, सारा प्लानिंग उसी का था पप्पू धप्पू और गोरख रख का अब इतना जानते हुए पुलिस जो है ना चुपचाप सूता रहेगी आप फिर हमारे घर में और किसी के मर्डर का इंतजार कर रही है इसका मतलब तो ये ये तो हो सकता है ना मान लीजिए जैसे कि आप लोग तो उस प्रवृत्ति के हैं नहीं अगर थोड़ा भी उस प्रवृत्ति के होते तो एक अपराधी को और बनाने की पुलिस काम कर रहा है एकदम हम लोग उस कानून के दायरे में रह कर अभी तक हम काम कर रहे हैं और मैं बराबर हम फिर भी भेंट करेंगे सीनियर एस से और हम अंतिम आग्रह करेंगे और उसके बाद जो है ना कि उनके पास हम जवाब देंगे हम डरने वाले में से नहीं है पुलिस प्रशासन भगा हमारा सुरक्षा के लिए सीनियर एसपी एसपी डीजीपी है कि हम हम उसके लिए हैं हमारे सुरक्षा के लिए वो बैठे हुए हैं उनको सरकार वेतन किस बात की देती है और किस बात की वेतन इतने बड़े फौज जो है सब एगो मेरा पास बॉडी गार्ड दे दिए एगो मेरे भब्बू के पास जो पार्षद है और हम एक महीना दो महीना हो गया आज तक तो हमको अभी का गार्ड मुहै मुहैया नहीं करें हमको मार देगा इनका सारा जिम्मेदारी सीनियर एस साहब को होगा और जितने अधिकारी हैं अब बताइए है, हम क्या करेंगे इसमें आप लोग को शक भी है और डर के साहब में भी है आप लोग अरे भाई तो अब वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है जन्ने तेन्ने बोलते चलता है तो उसको हम कहाँ कहाँ खोजते चलेंगे मार देगा तब मार देगा तो ये समझेंगे ये अरे तो हमारे घरवा में जो आज तक मेरे बा, फादर में आज तक एफ आई आर नहीं हुआ मेरे भाई पर जो भी कराया ये जांच कर ले कि टोटल केस ही पपूरा धपूरा मेरे भाई पर हमेशा हाँ पंचायत करने जाता था आप थाना वाला से पूछ ले कि मेरा भाई जो है ना कि बड़ा न केस को सोल्व करता था अपने गांव में और ये ये सब आदमी जो है ना अपराधी प्रवृत्ति को सोचता था कि नीलेश मुखिया को हटा दो पूरा गाँव पर राज करेगा 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 अब तो वही नौ नौ बता रहा है हाँ, वही कर, वही वही सोच यह, यही प्लानिंग है इसका प्लानिंग तो वही है। वही है है अवैध रूप से बालू काटना अवैध रूप से दारू बेचना अवैध रूप से जो है ना न किसी का जमीन हड़प लेना यही काम है दुनिया का हर अवैध काम एकदम इसकी संपत्ति की जाँच कराते हुए ये संपत्ति के बल पर कूद रहा है किसी का भी हत्या करवा सकता है पैसा दे देगा पांच लाख दस लाख दे देता है लाख तक तो किसी का जमीन हड़प लेगा चढ़ अवैध रूप से बालू काट लेगा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा आराम से कमा लेगा उसको क्या जा रहा है अरे पच्चीस लाख नीलेश प्रसाद के हत्या के लिए सुपारी दे दिया hmm. आ नीलेश प्रसाद नहीं रहेगा तो पच्चीस लाख के पाँच दिन में बालू बेच लेगा दस एक महीना में बालू बेच लेगा तो उसका हम लो? हम लो तो भरपाई हो गया आए अब क्या करें बताइए हम लोग हम लोग तो प्रशासन के सामने गुहारे लगाएंगे कि अब 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 प्रशासन क्या चाहता है कि हम लोग घर ब एक आध दूगो क्या मार देता अब तब पकड़ेगा वो से पता हम पूछना चाहते हैं बस इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ डी साहब से सीनियर एसपी साहब से डीएसपी साहब से या जो भी अधिकारी हैं उनसे कि कृपया करके तीनों अपराधी को अविलंब से अविलंब अरेस्ट कीजिए और नहीं तो मेरे इलाका का दीन दशा खराब होने वाला है चलिए और इसकी सारी जिम्मेवारी ये एस साहब होंगे या डीजीपी साहब मैं बारम्बार कर रहा हूँ मैं जब मेरा भाई का मर्डर हुआ था किसी से हम पूछे गए थे हमने कहा कि कोई नहीं दो सौ परसेंट मेरा भाई का मर्डर जो है ना कि पूरा पूरा गोखा आया कि नहीं सामना गलत है वो हमने शुरू से कहा कि कहीं मत जाइए शूटर को पकड़ने के लिए पहले इसको पकड़िए ना सब शूटर का नाम बता देगा अगर पहला दिन इसको पकड़ा हुआ रहता तो आज ये दिन तो अवेलेबल भी था वो एकदम रहे या नहीं तो प्लानिंग आरा, था आराम से पकड़ा जाता नहीं इसका प्लानिंग था कि दो दिन पहले हम यहाँ से रफा धप्पा हो जाएंगे प्लान करके पूरा प्लानिंग करके जब सब चीज आसान था और ये भी जान लीजिए पुलिस प्रशासन को पता है क्यों है? नहीं अरेस्ट कर रही है नहीं पता है यू बड़का अपराधी है कितना बड़ा अपराधी है साहब क्या पता होगा क्या पता होगा हाँ? मतलब पता है कि कहाँ है वो हाँ, एकदम पता होगा इतना इतना चप्पे चप्पे पर थाना है साहब चप्पे चप्पे पर आपका एस टी एफ है ये आप पकड़ नहीं पाइएगा क्या है वो पुलिस चाहे तो आराम से वो केस मुकदमा लड़ रहा है सब चीज कर रहा है उसके परिवार के एक आदमी को तो उसके परिवार के एक आदमी को भी उठाए आप नहीं हम जिसको कह रहे उसको उठाइएगा तो एक दिन में वो नहीं पकड़ा गया तो जो गुलामी लिख देंगे हम तो आप तो करते नहीं परिवार को उसको उठाने में डर लगता है <laughs> मेरा भाई पंचायत करने जाएगा तो उस पर फोर्स भेज दीजिएगा दस गो दरवाजा पर बताइए आप सीनियर एसपी साहब हैं आप कार्रवाई कीजिएगा तो आप पर कोई केस कर देगा बताइए हाँ? और सीनियर एसपी साहब को काम है ना कि अपराधी को पकड़ना तो अपराधी पर केस कर देगा तो दर रोजे पर केस हो जाएगा सीनियर एसपी पर दस गो रोज रोज केस हो जाएगा तो अपराधी हो गया सीनियर एस पी तो बीट काम हो है तो फिर तो अब तक का नीलेष मुखिया हत्याकांड में अपडेट ये है कि चार महीने होने जा रहा है लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े पकड़ेगा इनका कहना है कि मेरे अनुसार सिर्फ एक बात मान ले एस पी साहब चढ़ जो भी चौबीस घंटा के अंदर तीनों अपराधी पकड़ा जाएगा बात यह है कि चार महीने के बाद जब अपराधी नहीं पकड़े हैं तो दुर्गा पूजा के बाद ये लोग पूरे गांव कुर्ची के ये नहीं कुर्ची की जनता करेगा जब नहीं पकड़ाएगा तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग चक्का जाम करेगा इसके लिए जो हो जाए मैं शंभु कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना अगर मैं चाहें तो लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच लाइव न्यूज खबर तो पक्की है